नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आर.एन. मीना, एकेडमिक ऑफिसर संस्कृत, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत विषय की 12वीं कक्षा की प्रथम पुस्तक के 6वें अध्याय राजते खलु कन्याकुमारी पर चर्चा करेंगे। तो इस विषय पर अधिक चर्चा के लिए आज NIS स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर योगेश शर्मा, जो कि परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस जयपुर में संस्कृत के सहायक प्रोफेसर पद पर हैं। नमस्कार शर्मा जी, आपका NIS स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार मीना साहब। तो सबसे पहले तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि राजते खलु कन्याकुमारी जो पाठ है, इसको पढ़ने से पूर्व विद्यार्थी को किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए? राजते खलु कन्याकुमारी जो पाठ है, उसको पढ़ने से पूर्व विद्यार्थियों को कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको कि ध्यान में रखना चाहिए। कुछ तो व्याकरण के बिंदु हैं, जैसे कि संधि है, समास है, इसके अलावा अव्ययपद हैं, इसके अलावा वाच्य हैं। इन पर जो है विद्यार्थियों को सबसे पहले दृष्टि डालनी चाहिए, इनको सबसे पहले समझना चाहिए और इनकी चर्चा हम पाठ के अंत में करेंगे। पहले शुरू में हम पाठ को लेकर के बात करेंगे। राजते खलु कन्याकुमारी जो पाठ है, उसको सामान्यतः हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं मीना साहब। और वो जो तीन भाग हैं, उन तीन भागों में पहला भाग राजते खलु कन्याकुमारी में कन्याकुमारी शब्द को लेकर के है। ये कन्याकुमारी शब्द का आधार क्या रहा इस पाठ में? हाँ, कन्याकुमारी शब्द का जो आधार है इसमें, इसको लेकर के कन्याकुमारी जो पाठ है, इसमें तीन कथाओं का उल्लेख किया गया है, बल्कि यूँ कहें दो कथाओं का उल्लेख किया गया है। एक कथा बड़ी सूक्ष्म रूप में है, जिस पर कि हम इस चर्चा के दौरान विचार विमर्श करेंगे। इन कथाओं में एक कथा बाणासुर को लेकर के है और दूसरी कथा जो है वो दक्षिण क्षेत्र में एक भरत नाम के राजा हुए, उनको लेकर के है। तो योगेश, ये कथाओं से पूर्व मैं जानना चाहूँगा कि कन्याकुमारी की स्थिति कहाँ पर है भारत में? जी, कन्याकुमारी की जो स्थिति है विद्यार्थियों, वो भारत में दक्षिण क्षेत्र में है। मैं इस कन्याकुमारी की स्थिति को बताने से पूर्व कुछ बातें हैं जो बताना चाहूँगा। मुझे कालिदास का एक श्लोक याद आता है, कुमार संभव का प्रथम श्लोक है, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परौ तोये निधिम अवघाय स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में उत्तर क्षेत्र में हिमालय को स्थित बताया गया है। हिमालय के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है, हिमालय के पश्चिमी भाग में अरब सागर को दर्शाया गया है। तो भारत की तीन स्थितियों का पता तो हमें प्रस्तुत श्लोक से चलता है। उत्तर में हिमालय है भारत के, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है भारत के, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में जो क्षेत्र बचता है वो हिंद महासागर का क्षेत्र है, जिसके पास में तमिलनाडु नाम का एक राज्य है और वहाँ पर उसी राज्य में कन्याकुमारी नाम का ये नगर है। कन्याकुमारी जो शब्द है, इसका जो नामकरण है, उसके दो आधार हैं कथाओं के रूप में। एक कथा कुछ ऐसे चलती है, थोड़ा सा कथा पर हम बात कर लें। उस कथा में बाणासुर नाम का एक राक्षस है, उसने शिव की तपस्या की और शिव से वरदान प्राप्त किया और वरदान प्राप्त करके वो लोगों को सताने लगता है। ऐसी स्थिति में जो वहाँ के लोग हैं, वो परेशान होकर के विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु से कहते हैं कि हमें जो है इस राक्षस से मुक्त करिए। विष्णु कहते हैं कि आप चिंता न करें, इस राक्षस से मुक्ति का एक ही उपाय है कि पराशक्ति जो है वो आएंगी, अवतरित होंगी पृथ्वी पर और वो इस राक्षस को समाप्त करेंगी। ये सुनकर के जो लोग हैं वहाँ के रहने वाले, वो आश्वस्त होकर के और वापस उसी क्षेत्र को चले जाते हैं और बाद में पराशक्ति जो है वो बाणासुर को आकर के और उसका वध करती हैं। और बाणासुर का वध करने की स्थिति में बाणासुर मरने से पूर्व देवी से एक प्रार्थना करता है कि मुझे, मैंने जितनी भी भूलें की हैं, मैंने जितनी भी गलतियां की हैं, उनको आप क्षमा करें। और यहाँ पर एक प्रार्थना मेरी ये है कि जो भी इस क्षेत्र में आए, जो भी लोग इस क्षेत्र में रहें, जो भी लोग इस क्षेत्र में स्नान करें, उनको गंगा के स्नान के बाद में जिस फल की प्राप्ति होती है, यहाँ के लोगों को भी उसी प्रकार की फल की प्राप्ति हो। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात देवी जो है
प्रसन्न होकर के उसको तथेवास्तु का वरदान देती हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर पराशक्ति जो कन्या कुमारी हैं, उन्होंने वाणासुर का वध किया और इसी क्षेत्र में आकर के वध किया, इस कारण से इस क्षेत्र का नाम कन्याकुमारी रखा गया है। दूसरी जो कथा है वो भरत की है। भरत एक बहुत बड़े राजा हैं, उनके 8 पुत्र और 1 पुत्री है। 8 पुत्र और 1 पुत्री के बाद में वो जैसे ही उनके सभी संतानें बड़ी हो जाती हैं तो वो राज्य का विभाजन कर देते हैं, और विभाजन में जो दक्षिणी क्षेत्र है वो कुमारी नाम की कन्या को प्रदान करते हैं। अब ऐसी स्थिति में चूंकि वो क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र जो तमिलनाडु में है, वो कुमारी कन्या के पास में चला गया, इस कारण से भी इस तमिलनाडु का जो क्षेत्र है इसका नाम कन्याकुमारी रखा गया है। कन्याकुमारी स्थान पर और कौन कौन से ऐसे स्थान है विद्यार्थियों के लिए जानने के लिए? जी, तो विद्यार्थियों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है स्थानों के विषय में वो ये है कि विवेकानंद स्मारक, विवेकानंद शिला स्मारक जो है बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है जो इसके पास में ही है। दूसरा, उस विवेकानंद स्मारक के पास में एक तिरुवल्लुवरम करके एक कवि हैं जिनकी प्रतिमा भी स्थित है, और ये तिरुवल्लुवरम जो है बड़े अच्छे कवि हैं उस क्षेत्र के, और इन्होंने तिरुकुरल नाम के एक काव्य की रचना की है। दूसरा जो क्षेत्र है यहाँ पर वो श्रीपाद शिला के नाम से जो है यहाँ पर है, बड़ा दर्शनीय स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि कन्याकुमारी ने यहाँ पर एक पैर पर, दाहिने पैर पर खड़े हो करके और तपस्या की, जप माला को दोहराया, और इस दाहिने पैर की वजह से, चूंकि वो दाहिना पैर उस शिला का स्पर्श करता है, इस कारण से उस शिला का नाम और उस स्थान का नाम श्रीपाद शिला के नाम से जाना जाता है। और सुना है कि कन्याकुमारी का सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य भी बड़ा मनोरम होता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। विद्यार्थियों, ये जो क्षेत्र है कन्याकुमारी का, यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त एक ही स्थिति में खड़े होकर के देखे जा सकते हैं, और ये दृश्य बड़ा मनोरम दृश्य होता है। बल्कि इस दृश्य को अगर हम विवेकानंद स्मारक के साथ में देखें तो ये और भी सुहावना दृश्य लगता है। जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब सूर्यास्त होता है तो इसके लिए पाठ में एक वाक्य का भी प्रयोग किया गया है, समस्तम समुद्र जलम कनकम एव दृश्यते। तो ये बड़ी अच्छी पंक्ति है। इस पंक्ति का भाव ये है कि सायंकाल में जहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश मंद पड़ रहा है, लालिमा लिए हुए है, और वो प्रकाश जब जल पर पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे कि स्वर्णिम प्रकाश हो। तो वहाँ पर ये बात कि कनकम में दृश्यते, तो वहाँ पर जो संपूर्ण जल राशि है वो स्वर्ण राशि के समान परिलक्षित होती है, स्वर्ण राशि के समान दिखाई देती है। तो कन्याकुमारी का जो सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय है वो बड़ा मजेदार और बहुत ही दर्शनीय। तभी कहा गया कि अहो राजते खलु कन्याकुमारी। हाँ, इसीलिए जो है इस पाठ का शीर्षक भी जो है अहो राजते खलु कन्याकुमारी रखा गया है। योगेश जी, इस पाठ की जो पृष्ठभूमि में विद्यार्थियों के लिए कुछ व्याकरणीय पद हैं उन पर भी चर्चा करना चाहूंगा। जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जो संधि पद हैं, जी, बच्चे किस तरह से संधि पदों का प्रयोग करें, इस पाठ में किस तरह से संधि विच्छेद का जो बताया गया है उस विषय में प्रकाश डालिए। देखिए विद्यार्थियों, सामान्य रूप से हमें ये समझना चाहिए कि संधि जो है वो वर्णों की अत्यंत समीपता को संधि कहते हैं। परह सन्निकर्ष संहिता, इस तरीके से पाणिनि अष्टाध्यायी में सूत्र भी है संधि के लिए। ये संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं सामान्यतः, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का प्रस्तुत पाठ में बड़े अच्छे से प्रयोग हुआ है, उसके भेदों की चर्चा की गई है, और उसके भेदों में यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि आदि जो संधियां हैं उनके उदाहरण भी तो प्रस्तुत पाठ में देखने को मिलते हैं। शब्द बताता हूँ, बाणासुर शब्द का प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, बाणासुर जो शब्द है वो बाण प्लस असुर से बना है, और इसमें दीर्घ संधि है, यहाँ पर अ और अ मिलकर के आ हो गया है। इसका सूत्र है अकह सवर्ण दीर्घ। मदोन्मत्त का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो मद प्लस उन्मत्त और
यहाँ पर गुण संधि है और इसका सूत्र है आद्गुण तथैव। यहाँ पर विद्यार्थियों वृद्धि संधि है और इसका विच्छेद है तथा प्लस एव, तो यहाँ पर आ और ए मिलकर के आई हो गया है। इत्येव यहाँ पर यण संधि है, इति प्लस एव और इसका सूत्र है इको यणची। इसी तरह कुछ सामासिक पदों का प्रयोग भी किया गया है जी, तो मैं जानना चाहूंगा कि समास का प्रयोग विद्यार्थी किस तरह से करें। जी विद्यार्थियों, समास का जो प्रयोग है वो अर्थ की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम बात करें कि समास जो है वो एक तरह से श्लिष्ट पदों के रूप में प्रयुक्त होता है संस्कृत साहित्य में, और बहुत बड़ा कोई पद है उस पद को छोटा करने के लिए हम समास का प्रयोग करते हैं। समास संस्कृत व्याकरण में सामान्यतः 5 प्रकार के माने गए हैं, उनमें केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, ये 5 समास हैं। यहाँ पर थोड़ा हिंदी से भेद है, हिंदी में केवल समास को नहीं मानते हैं और कर्मधारय और द्विगु ये 2 समास ऐसे हैं जिनको कि हिंदी में भी मान लेते हैं, और ऐसे करके हिंदी में 6 समास हैं लेकिन संस्कृत में 5 समास हैं। तो इस पाठ में प्रयोग किए गए कुछ पदों को लेकर हम समझते हैं जी। जैसे मदोन्मत्त जो पद का प्रयोग किया गया है जी, विद्यार्थियों मदोन्मत्त जो पद है यहाँ पर तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है और इसका अर्थ हुआ मद से जो उन्मत्त है, मदेन उन्मत्त इति मदोन्मत्त। मरण समये यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है, बल्कि तत्पुरुष समास का षष्ठी तत्पुरुष है और इसका तात्पर्य हुआ मरणस्य समये, मरण के समय में। गंगा स्नान फलम यहाँ पर भी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है और इसका जो विच्छेद हुआ वो गंगा स्नानस्य फलम इति षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, गंगा के स्नान का फल। समुद्र तीरे पद यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष है, समुद्रस्य तीरे इति समुद्र के किनारे पर। इसी तरह योगेश जी इस पाठ में जो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है तो यहाँ हम विशेषकर चर्चा करेंगे कत और कतत्व प्रत्यय के बारे में जी। विद्यार्थियों संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय 2 पदों का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग शब्द से या धातु से पहले लगते हैं और प्रत्यय जो है वो धातु अथवा शब्द के बाद में लगते हैं। प्रत्यय जो है वो अर्थ का विस्तार करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। प्रत्ययों में 3 प्रकार के प्रत्यय माने गए हैं, कृदंत, तद्धित और स्त्री। इन कृदंत प्रत्ययों से यहाँ तात्पर्य है जो धातु के बाद में लगें, तो कृदंत प्रत्ययों का प्रयोग प्रस्तुत पाठ में बड़े अच्छे से हुआ है और इनको हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे कत और कत्वत्व प्रत्यय के बारे में बात की है, तो जैसे कत प्रत्यय के प्रयोग बताए हैं तेन फलम खादितम जी, इसी तरह कत्वत्व प्रत्यय के गृहम गतवान बालः जी, तो बच्चे इनका प्रयोग अन्य वाक्यों में किस तरह से करें जी। देखिए विद्यार्थियों क्त और क्तवतु जो प्रत्यय हैं यहाँ पर ये कृदंत प्रत्यय हैं और इनका प्रयोग भूतकालिक क्रिया के विकल्प के रूप में किया जाता है। क्त जो प्रत्यय है उसका तवशेष बसता है और क्तवतु जो प्रत्यय है उसका तवत शेष बसता है। यहाँ पर क्त जो प्रत्यय है उसका सामान्यतः कर्मवाच्य और भाववाच्य के रूप में प्रयोग किया जाता है और क्तवतु जो प्रत्यय है उसका सामान्यतः कर्तृवाच्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे तेन फलम खादितम यहाँ पर ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य कैसे है तो थोड़ा सा हम वाच्य की प्रक्रिया को समझ लें कि जहाँ पर कर्ता प्रधान होता है और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है वो तो कर्तृवाच्य है, जहाँ पर कर्म प्रधान होता है और कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है वो कर्मवाच्य है। अब तेन फलम खादितम यहाँ पर खादितम जो है खाद धातु है और क्त प्रत्यय है, इसमें जो प्रयोग हुआ है वो फलम के अनुसार हुआ है तो ये कर्मवाच्य है और यहाँ पर क्त प्रत्यय है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि क्त प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य के रूप में किया जाता है, इसी तरीके से इसी पद को अगर हम क्तवतु प्रत्यय के रूप में और कर्तृवाच्य के रूप में परिवर्तित करें तो इसका प्रयोग होगा सह फलम खादितवान, वह फल को खाता है।
तो ये जो है कर्तृवाच्य का प्रयोग है। यहाँ पर खादितवान जो पद है वो कर्ता के अनुसार हुआ है, अर्थात सह यहाँ पर कर्ता है, सह के अनुसार यहाँ पर खादितवान पद का प्रयोग हुआ है। अच्छा योगेश जी, इसी अध्याय में चर्चा की गई है उपद विभक्ति की जी, तो विद्यार्थियों के लिए मैं पूछना चाहूँगा कि उपद विभक्ति क्या होती है और किस तरह से उनके प्रयोग किन पदों के रूप में उनका प्रयोग कैसे देखा जा सकता है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो विभक्ति का प्रयोग है, उपपद विभक्ति का प्रयोग है, वो कारकों के अंतर्गत आता है। कारकों में सामान्यतः हम 6 प्रकार के कारक मानते हैं और कुछ ऐसे पद हैं जिनके की साथ में निश्चित विभक्ति का विधान होता है। जैसे हम बात करें, इसी पाठ में एक परितः पद का प्रयोग किया गया है। परितः चारों ओर के लिए बताया जाता है संस्कृत व्याकरण में, और इसके साथ में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग करके देख लें, जैसे ग्रामम परितः वृक्षाणि सन्ति, तो अब हम अगर ग्राम के रूप चलाते हैं तो ग्रामम जो पद है वो द्वितीय विभक्ति में है, और द्वितीय विभक्ति के साथ में जैसा कि मैंने पूर्व में बताया परितः शब्द का प्रयोग होता है, तो ग्रामम परितः वृक्षाणि सन्ति, तो परितः जो शब्द है वो द्वितीय विभक्ति के रूप में ही यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ हुआ गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। इसी तरीके से एक पद का प्रयोग हुआ है पुरतः, पुरतः के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे रामस्य पुरतः मोहन, जैसे वृक्षस्य पुरतः वानरः, अर्थात वृक्ष के सामने वानर है। इसी तरीके से उपरी, उपरी के साथ में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे वृक्षस्य उपरी वानरः तिष्ठति, वृक्ष के ऊपर वानर बैठता है। तो उपद विभक्ति के साथ योगेश जी बच्चों के लिए कारक का प्रयोग, कारक क्या होता है, इस कारक के बारे में थोड़ी जानकारी आप दें जी। विद्यार्थियों, जो कारक हैं उनका जो संबंध है वो क्रिया से होता है। कारक की व्युत्पत्ति हम थोड़ी सी समझ लें, जैसे कि क्री शब्द, क्री धातु है, क्री धातु में जब हम ङुल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कारक पद बनता है, अर्थात करने वाला। तो यहाँ पर क्रिया के साथ में जितने भी प्रयोग मिलते हैं वो कर्ता से संबंधित हों या कर्म से संबंधित हों या करण से संबंधित हों या संप्रदान से संबंधित हों या अपादान से संबंधित हों या अधिकरण से संबंधित हों, ये सब कारक की श्रेणी में आते हैं। संस्कृत साहित्य में मैंने पूर्व में भी बताया 6 कारक होते हैं, उन कारकों में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, इसके अलावा अपादान कारक, इसके अलावा अधिकरण कारक, ये जो है 6 कारक जो है संस्कृत साहित्य में माने गए हैं। विद्यार्थियों की दृष्टि से परीक्षा को, मैं परीक्षा के को सामने रखते हुए इस अध्याय का अध्ययन करें विद्यार्थी, तो किन किन बातों का ध्यान रखते हुए किस तरह अध्ययन करें कि वो परीक्षा में उसको थोड़ी हेल्प मिले, सहायता मिले उसके लिए। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया मीना जी कि हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है डिस्कस की हैं, उनमें जैसे व्याकरण के बिंदु तो ध्यान में रखने ही चाहिए, शुरू में हमने बात भी कही थी, और इन सारे बिंदुओं में कुछ चीज़ें हैं जो विद्यार्थियों को और भी ध्यान में रखनी चाहिए। जो व्याकरण के बिंदु यहाँ पर डिस्कस कर लिए गए हैं उनके अलावा कुछ और भी बिंदु हैं जो छूट गए हैं, तो उन पर भी थोड़ा सा विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए, जो संस्कृत सीखने के लिए भी बड़ा उपयोगी है। जैसे कि उच्चारण स्थानों की हम बात करते हैं तो उच्चारण स्थानों को भी विद्यार्थियों को सीख लेना चाहिए कि कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, क्या उसका सही उच्चारण है। इससे एक बात जो है सीखने को मिलेगी, वो बात ये है कि जब विद्यार्थी स्पष्ट उच्चारण करेगा किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य का, तो उसको अर्थ में बड़ी सहायता मिलेगी। और दूसरी बात जो पाठ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो ये है कि पाठ को सामान्यतः विद्यार्थी 3 भागों में विभाजित कर सकता है। जैसे कि पहला जो भाग है वो कथा को ध्यान में रख करके, जैसे कि जो कथा उसके
नामकरण को लेकर के हैं दो कथाएं। पहला भाग तो वो है जिसकी चर्चा की जा चुकी है। दूसरा विभाजन जो है वो वहाँ के उत्सवों को लेकर के हो सकता है कि वहाँ पर कौन कौन से उत्सव हैं जो मनाए जाते हैं। और तीसरा जो विभाजन है वो स्थानों को लेकर के हो सकता है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, जैसे कि विवेकानंद शिला स्मारक आदि। तो परीक्षा में यदि विद्यार्थी के लिए गद्यांश पैरा उसका पैराग्राफ जो आता है गद्यांश उसकी व्याख्या के लिए पूछा जाता है तो किस तरह विद्यार्थी व्याख्या करे? जी, इसके लिए विद्यार्थियों आवश्यक ये है कि सबसे पहले तो हम पाठ का शीर्षक अच्छे से ध्यान रखें और उस पाठ का जो शीर्षक है उसके विषय में थोड़ा सा हम बताएं कि उसका संबंध जो है वो कहाँ से है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो पाठ की जो सामान्य रूपरेखा है उसको ध्यान में रखें। उस रूपरेखा में जैसे कि पाठ का जो सारांश है वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद में गद्यांश में जो गद्य का अंश भाग है उसका अनुवाद करें और अनुवाद के बाद में उसका व्याख्या अंश एक एक पद को लेकर के व्याख्या की जानी चाहिए, भावार्थ किया जाना चाहिए। और उसके बाद में व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है, हाँ, जो जैसा कि अभी हमने चर्चा की व्याकरणीय पदों पर, तो व्याकरणीय पदों का प्रयोग किस तरह से वो उनको प्रयोग करें, एप्लीकेशन में लाए उनको किस तरह से समझे? जी देखिए, ऐसा है कि व्याकरण के जो पद हैं जब हम व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखते हैं तो मानो एक प्रयोग आया अहो राजते खलु कन्याकुमारी, इसकी हमें व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक सामान्य सी बात है कि यहाँ पर व्याकरण के कौन कौन से पदों का प्रयोग हुआ है। जैसे कि हम बात करें राजते, तो राजते जो पद है वो क्रियापद है, तो विद्यार्थी चाहें तो राजते को भी वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि राजते जो है वो आत्मनेपदी लट्लकार है। इसी तरीके से कन्याकुमारी जो पद है, कि जैसे कन्याकुमारी का व्याकरणात्मक विश्लेषण क्या हो सकता है, कन्यायाः कुमारी इति इस तरीके से विश्लेषण होगा, या कन्या कुमारी के रूप में इस तरीके से विश्लेषण होगा। इसी तरह विद्यार्थी को छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कन्याकुमारी कहाँ है तो उसकी स्थिति कहाँ है, अरब सागर के किस तरफ है, बंगाल की खाड़ी के किस तरफ है, हिंद महासागर की स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए विवेकानंद स्मारक कहाँ पर है, कौन कौन से अन्य स्थान है, इन सब बातों का यदि विद्यार्थी ध्यान रखे तो परीक्षा देते समय इन बातों का प्रयोग हम वहाँ किया जा सकता है, वहाँ किया जा सकता है और बहुत अच्छे से प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो अंत में आपने कही कि वहाँ पर कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं, आसपास का वातावरण वहाँ का कैसा है, वहाँ के प्रमुख उत्सव कौन कौन से हैं, इनको भी विद्यार्थी जो है बिंदुबद्ध कर ले, रेखांकित कर ले, तो जो है बहुत अच्छे से वो परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर के आ सकता है। योगेश जी, एक आखिरी प्रश्न के रूप में मैं जानना चाहूँगा कि पाठ में जो प्रयुक्त किया गया है विवेकानंद स्मारक के बारे में भी विद्यार्थियों को थोड़ी जानकारी दें। विवेकानंद स्मारक बड़ा महत्वपूर्ण अंश है पाठ का, और विवेकानंद स्मारक ऐसा कहा जाता है कि 1892 में विवेकानंद यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने कुछ समय के लिए तपस्या की, और इसके बाद में वर्ष 1970 में एकनाथ रानाडे नाम के व्यक्ति हुए और उन्होंने बड़े प्रयत्न के साथ में इस विवेकानंद शिला स्मारक की स्थापना की। तो ये जो बात है, ये इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर ध्यान की स्थिति जो है बड़ी अच्छी है, जो भी लोग ध्यान करना चाहते हैं इस विवेकानंद शिला स्मारक के मध्य में वहाँ पर ओम की जो ध्वनि है वो बड़ी अच्छे से सुनाई पड़ती है इस स्मारक के मध्य में, तो ये ध्यान की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने राजते खलु कन्याकुमारी अध्याय पर चर्चा की। आशा है आज की चर्चा को आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, और आशा है कि आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगी। आगे भी हम इसी तरह की चर्चाएँ लाते रहेंगे। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। सर, NIS स्टूडियो में आने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।
प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो, मित्रों हम उठे और जागे, ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों